हेलो बच्चों, बर्थडे वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का डी बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 13 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले ना कि हम जो यहां खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां तक सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, 14 नंबर में लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, लेकिन एक चीज गौर करो, यहाँ पर लाइन 1 और जो लैम्डा के साथ वाला ये वेक्टर और म्यू के साथ वाला ये वेक्टर दोनों क्या सेम है। जब लैम्डा और म्यू का साथ वाला जो वेक्टर सेम होता है तो एक्स का मतलब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको क्या मानेंगे हम लोग, आर वन, और ये क्या होगा हमारा वेक्टर एम। अब एम वन एम टू नहीं लिखेंगे, फिर से लाइन टू में ये हो जाएगा हमें आर टू और ये हो जाएगा कौन सा, ये तो वेक्टर एम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम रहेगा, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर अपॉन वेक्टर एम का मॉड। ठीक है ना, इन फॉर्मूला में देखोगे तो इसको एम को पहले लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ एम क्रॉस कितना आर टू माइनस आर वन, ठीक है, नीचे में मॉड। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हमें आर टू माइनस आर वन चाहिए, तो आर टू माइनस आर वन, आर टू कितना है 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे और माइनस के, आर वन कितना है, इसको माइनस करोगे तो माइनस आई माइनस टू जे माइनस थ्री के हो जाएगा, राइट। चलो इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो माइनस कैसे करते हैं हम लोग, बोलो i वाले को i के साथ माइनस करो तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई माइनस जे और माइनस टू जे तो माइनस थ्री जे, माइनस के माइनस थ्री के तो माइनस फोर के हो गया। अब ये रहा वेक्टर एम, तो वेक्टर एम यहाँ लिखिए, वेक्टर एम कितना है आई माइनस जे और प्लस कितना है इधर से हुआ के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन चाहिए, तो अब यहाँ लिखो एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन। इसका कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ आई यहाँ जे और यहाँ के, तो आर टू क्या है, आर टू क्या है आपके पास, सॉरी वेक्टर एम है ना पहले, तो वेक्टर एम देखो, एम आई के साथ क्या है वन, तो आई के नीचे वन लिखो, जे के साथ माइनस वन तो यहाँ माइनस वन, के साथ वन है तो के नीचे वन लिख दो, आर टू माइनस आर वन कौन था, ये वेक्टर आई के साथ वन है यहाँ वन, जे के साथ माइनस थ्री तो जे के सामने में, के साथ माइनस फोर तो के सामने में माइनस फोर लिख दिया। अब आ जाओ आई लेंगे, आई के सामने वाली ऐसे ऐसे छूट दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे फोर, बीच में माइनस होता है इसको करोगे माइनस थ्री, बीच में पहले से माइनस होता था प्लस थ्री, उसके बाद माइनस जे लेते हैं, ये जे के सामने वाली ऐसे वैसे छोड़ दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर, बीच में माइनस इस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा वन, प्लस के लेंगे के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री, बीच में माइनस इसको करोगे तो माइनस वन, और माइनस पहले से तो प्लस वन, यहाँ फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा सेवन आई, यहाँ माइनस फोर माइनस वन तो माइनस फाइव, इधर हो जाएगा प्लस फाइव क्योंकि माइनस पहले से, तो यहाँ माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू के। ठीक है, यहाँ तक सेवन आई प्लस फाइव जे और माइनस टू के। ठीक है, क्या हुआ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, अरे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे फोर, बीच में माइनस होता ही है, ठीक है ना, उसका दौर होना माइनस जे लेते हैं, माइनस लेते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर करो इधर, ठीक तो है। चलो अब हमें क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए, तो ये आपका निकला एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन, अब हमें इसका मॉड चाहिए तो एम क्रॉस आर टू माइनस कितना आर वन का मॉड निकालो, सेवन का स्क्वायर करोगे तो 49, फाइव का स्क्वायर करोगे 25, माइनस टू का स्क्वायर करोगे फोर, ये कितना हो जाएगा पाँच चार नौ और नौ नौ अठारह, यानी एट हुआ यहाँ पर, यानी ये पक्का 78 हो गया पूरा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो ये निकाल लिया पूरा मॉड सहित सब काम कर लिया, अब यहाँ मॉड एम चाहिए तो एम का मॉड निकालो, तो मॉड एम कितना होगा, देखो मॉड एम,
आई के साथ सेवन है, सॉरी सॉरी एम वेक्टर क्या है, आई के साथ वन है तो यहाँ वन का स्क्वायर वन, जे के साथ माइनस वन है इसका स्क्वायर करो वन, के के साथ क्या है वन वन का स्क्वायर वन, ये क्या मिला हमारा रूट थ्री मिला। अब फॉर्मूला लिखो नाउ, अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ एम क्रॉस कितना, देखो यहाँ लिखे हुए फॉर्मूला आर टू माइनस आर वन और नीचे में कितना हो जाएगा मॉड ऑफ एम, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है मॉड सहित पूरा कितना निकाले हम बोलो, रूट अंडर 78 यहाँ लिखे रूट अंडर 78 और नीचे में कितना है रूट अंडर 3, तो हम दोनों को रूट में है तो एक ही बार दोनों को रूट में लिख दीजिए, इसको काट दीजिए 26 टाइम में कटेगा, चौथी कट रहा तीन छः एक साथ क्या बचा है यहाँ रूट अंडर 26 यूनिट्स, यही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, चलो फटाफट इसका स्क्रीन शॉट लीजिए बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वन लाइन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन। चलो डिस्टेंस बिटवीन लाइन के लिए फॉर्मूला होता है, इसको हमने लिखा हुआ साइड में लिखते हैं, पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। यहां पर देखो यहां लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या लिख दिए भाई एस टी आई वन, ठीक है। पहले ये जो लाइन दिया हुआ इसका नाम दीजिए लाइन वन, कितना है आर बराबर माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस लैम्डा इंटू टू आई माइनस थ्री जे अब प्लस कितना सिक्स के, राइट। हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन कितना होता है बोलो, आर बराबर कितना आर वन अब प्लस थ्री को लैम्डा ऑलरेडी है तो म्यू एन टू एम, फॉर्मूला तो ये होता है वेक्टर। अब आर वन का जो पॉइंट देगा इसी से आर वन लिखते हैं, अब यहां पर से क्या लिखेंगे पॉइंट क्या इतना है हमारा, पॉइंट है आपके पास टू थ्री टू क्योंकि इसी से पास करता है, तो आर वन वेक्टर यहां से बना दीजिए, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए तो टू आई प्लस थ्री जे अब प्लस टू के, पता है ना पॉइंट दिया रहता था, पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं पहले वाले में आई से मल्टीप्लाई दूसरे वाले में जे से तीसरे वाले में कैसे बीच में प्लस करते जाओ, अगर कहीं माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट। अब चूंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है पैरेलल है किसके लाइन वन के, इसका मतलब जो वेक्टर इसका होगा वही वेक्टर एम वेक्टर होगा, इसका मतलब वेक्टर एम बराबर कितना टू आई माइनस थ्री जे और प्लस सिक्स के, ठीक है। अब लाइन लिख दूं यहां पर, इसीलिए रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा आर बराबर कितना आर वन, तो आर वन कितना है यहाँ टू आई प्लस थ्री जे अब प्लस टू के, राइट। अब प्लस म्यू इंटू एम वेक्टर कितना हो जाएगा टू आई माइनस थ्री जे अब प्लस कितना सिक्स, यही हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक आंसर तो इसका ही हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिए। अब हमें क्या ये हो जाएगा हमारे पास कितना आर वन वेक्टर, ठीक है, और इसका नाम दे दो कौन सा आर टू वेक्टर। अब बोलेगा सर यहाँ इसको आर वन माने हैं, ध्यान से सुनो R1 इसलिए इसको माने हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा था, ठीक है ना। अब हमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो ये जो लाइन वन होता है उसको मानते हैं R1 और लाइन टू इसका नाम ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये हो गया लाइन टू, ये हो गया R2। अब हमें क्या चाहिए R2 माइनस कितना R1, तो R2 कितना यहाँ टू आई प्लस कितना थ्री जे या प्लस टू के, इसको माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस अब प्लस वाला कितना माइनस, तो यहाँ माइनस थ्री जे आई वाले को आई के साथ ऐड करो टू आई प्लस टू आई कितना फोर आई थ्री जे प्लस माइनस कट गया तो प्लस टू के फोर आई। एक मिनट भाई कुछ तो गड़बड़ लगता है, नहीं लगता है तुमको, एक मिनट एक मिनट, नहीं बच्चों ठीक जा रहे थे हम लोग, यहाँ निकला हमारे पास कितना आर टू माइनस आर वन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बोलो, यहाँ m क्रॉस r2 टू माइनस आर वन का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो वेक्टर m कौन सा हो गया, वेक्टर m यहाँ पर तो लिखे हुए यही तो वेक्टर m हो गया, ये क्या है हमारा वेक्टर m, क्या चाहिए हमें m क्रॉस r2 टू माइनस आर वन बराबर में कितना, यहाँ i यहाँ j और यहाँ k लेंगे तो m m के साथ कौन क्या है m वेक्टर 2 माइनस थ्री, i के साथ क्या 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, जे के साथ माइनस थ्री तो यहाँ माइनस थ्री लिखिए, के के साथ कितना है सिक्स है तो यहाँ सिक्स लिखेंगे, राइट। आर टू माइनस आर वन में कितना है फोर आई और टू के, तो आई के सामने में
फोर जे नहीं है तो जीरो, यहाँ देखो ना इसमें आर टू माइनस आर वन में जे नहीं है तो जे के सामने जीरो, के साथ टू है तो के सामने में टू लिखिए। चलो आई लेंगे, आई के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स, बी के माइनस है तो इधर करोगे तो जीरो, इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फोर, हाँ माइनस इधर करोगे तो ट्वेंटी फोर, अब प्लस किए लेंगे तो वॉट ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा जीरो, इधर कितना हो जाएगा प्लस ट्वेल्व, यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस सिक्स आई, यहाँ पर कितना माइनस ट्वेंटी, तो माइनस माइनस इधर प्लस ट्वेंटी जे, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस ट्वेल्व के, ठीक है। ये हमारा क्या निकला एम क्रॉस आर टू माइनस कितना आर वन वेक्टर। अब हमें इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए, चाहिए ना मॉड, ले मॉड निकालो, इसका मॉड कितना होगा, माइनस सिक्स का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर कर दो, फिर ट्वेल्व का स्क्वायर कर दो, ऐड करो सबको, स्क्वायर करके सबको ऐड करो, कितना होगा जल्दी करो, देखो कितना आता है फाइव एट्टी, एकदम डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना, ये निकल गया। इसके बाद क्या चाहिए, एम का मॉड, तो आ जाओ पहले हम यहाँ एम का मॉड निकाल लें, तो मॉड एम कितना, एम टू एम वेक्टर कितना है यहाँ टू, तो टू का स्क्वायर फोर, यहाँ माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन, और यहाँ सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन, ये हो जाएगा सेवन। अब डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला, बोलो मॉड ऑफ एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन, तो नीचे में कितना m का मॉड, तो r टू एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन का मॉड कितना निकाले हम, रूट अंडर 500 कितना 80, m मॉड कितना निकाले हैं 7, इसी में यूनिट्स करके आप आंसर लिख दीजिए, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चा लोग अब लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये लाइन वन और लाइन टू दे दिया है, जब इसको गौर से देखोगे अरे लगे ऐसा ये इसने अपना रंग रूप बदल लिया है, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला क्या होता है एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन, मतलब हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको तो पता है क्या करेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आर बराबर कितना, पहले हमें देखो यहाँ वन है ना, यहाँ पर यहाँ आई थ्री है तो यहाँ थ्री जे, यहाँ फोर है लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा साइन देना है माइनस फोर के, समझ गए, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे निकालेंगे, यहाँ जो टर्म सब रहेगा जो एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, तो पहले वाले में आप आई लगा दो, दूसरे वाले में जे, तीसरे वाले में के, हाँ लेकिन साइन उल्टा लेना, यहाँ माइनस वन है तो यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस थ्री तो प्लस थ्री, यहाँ प्लस फोर है इसका मतलब ये यहाँ जो वैल्यू है वो माइनस में होता है, ठीक है ना। अब नीचे वाले जो है आपके पास इस समय लेमडा लगा, लेमडा के साथ इसको लिखिए 2i प्लस 3j प्लस कितना 6k हो गया। अब चलो इसी प्रकार से इधर लिखिए एंड इधर हो जाएगा फिर से कितना, यहाँ 3 है तो 3i प्लस 3j, यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस 5 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5k प्लस कितना म्यू इंटू फोर आई प्लस सिक्स जे प्लस ट्वेल्व के, ठीक है। यहां पर दोनों सेम नहीं है, अब बताते हैं, सुनो यहां पर से आप क्या करिएगा, देखो थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहां पर से क्या क्या कॉमन आएगा, टू कॉमन आएगा तो टू म्यू इधर हो जाएगा कितना टू आई प्लस थ्री जे अब प्लस सिक्स के हो गया कॉमन, अब देखो अब आया सेम, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसका इस टू का क्या करेंगे, देखो बाहर में जो म्यू है, म्यू क्या होता है कांस्टेंट, तो बाहर वाला टर्म दोनों तो कांस्टेंट, टू और म्यू दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो तो ये हो गया कौन सा हमारा आर वन वेक्टर, ये हो जाएगा कौन सा हमारा एम वेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा आर टू, और ये तो हमारा क्या रहेगा एम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ सब में डिवाइड टू से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ सिक्स आ जाएगा, ये चल समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो बच्चों देखो हमें क्या निकालना है आर टू माइनस आर वन, तो पहले हम यहाँ आर टू माइनस आर वन लिख लिए, आर टू का वैल्यू थ्री आई प्लस कितना थ्री जे माइनस फाइव जे, राइट माइनस में आर वन, इसको माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा माइनस हो जाएगा जी, कर दिए।
अब यहाँ देखो थ्री आई में से एक आ गया तो यहाँ टू आई, थ्री जे में से टू जे गया, कितना बचेगा प्लस जे माइनस फाइव के और प्लस फोर के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के। क्लियर है यहाँ तक? ये निकला हमारा आर टू माइनस आर वन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बोलो, एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक मिनट वेक्टर बाद मॉड बाद में निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं हम लोग आई जे और के डिटर्मिनेंट मेथड से। वेक्टर एम कौन सा, ये है, तो एम आई के साथ टू है तो यहाँ टू लिखिए, जे के साथ थ्री है तो थ्री लिखिए, के साथ सिक्स है यहाँ सिक्स लिखिए, आर टू माइनस आर वन तो टू वन माइनस वन, तो टू वन माइनस वन सॉल्व करो, आई लेंगे तो आई सामने वाले को छोड़ दो आई के, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री, बीच में माइनस होता है इधर करोगे तो माइनस सिक्स, माइनस जे लेंगे तो जे के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू, बीच में माइनस होता है इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस ट्वेल्व, प्लस के लेंगे के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ हो जाएगा टू, इधर हो जाएगा कितना माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस थ्री माइनस सिक्स तो माइनस नाइन आई, यहाँ हो जाएगा माइनस फोर्टीन, माइनस पहले से है बाहर में, यह प्लस फोर्टीन जे, टू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर के, ठीक है, माइनस नाइन आई प्लस फोर्टीन जे और माइनस फोर के, ठीक है। इतना ये निकला हमारा एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन, ठीक है ना। चलो क्या बोले सर, यहाँ प्लस कैसे प्लस होगा, देखो जे लिए तो जे के सामने वाली ऐसे और ऐसे, तो इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस टू, और बीच में क्या होता है माइनस होता है, इधर करोगे ट्वेल्व, यहाँ हो जाएगा माइनस फोर्टीन, माइनस माइनस प्लस फोर्टीन, यहाँ माइनस फोर के, ये तो सही है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है, एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन का मॉड, मॉड कैसे निकालोगे बोलो, माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस कितना फोर्टीन का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा, करो ये भी हम ही करके रहे, जल्दी करो, कितना हो गया 293 आएगा, कितना आएगा 293। अब हमें क्या चाहिए, m का मॉड, तो मॉड m निकालो, m वेक्टर कहाँ है, ये है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, फिर यहाँ 3 है 3 का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ देखो 6 है इसका स्क्वायर करोगे 36, ये कितना हो जाएगा 49, बाहर आ जाएगा तो 7। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, नौ डिस्टेंस बराबर कितना होता है मॉड ऑफ कितना, एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन का मॉड, तो आर टू माइनस आर वन और एम क्रॉस का मॉड कितना निकाला है, रूट अंडर 293, यहाँ लिखे ऊपर में 293 रूट अंडर, और नीचे में एम का मॉड कितना है यहाँ पर 7 यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो फिर फटाफट फोटो खींचो इसका, बच्चों आज से क्लास यहीं तक रहने दो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।